फूडीज, वेलकम बैक टू मसाला मंचीज। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल से भरपूर और बहुत ही हेल्थी नाश्ता, न्यूट्री वेजिटेबल रोस्टी। चावल के आटे से बनने वाली ये रोस्टी बहुत ही सॉफ्ट और टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो चलिए जल्दी से रोस्टी बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बॉल में एक कप चावल का आटा लेंगे। उसमें 2 टेबलस्पून दरदरी जो सूजी आती है वो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जिंजर चिली पेस्ट ऐड करेंगे। चिली आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और इसमें 1/2 कप हल्का सा खट्टा दही ऐड करेंगे। इन सभी को थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें सारे मसाले ऐड करते हैं। स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। हल्का सा मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और मिक्स करेंगे ताकि लम्प्स ना हो। ऐसा लम्प फ्री बैटर हो जाए तब इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा बैटर बनाने के लिए मुझे टोटल 1 कप जितना पानी लगा है। अब इसमें सारे वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। 1 कप कद्दूकस किया हुआ गाजर, 1/2 कप बारीक चॉप किया हुआ टमाटर, 1/2 कप ग्रीन कैप्सिकम और 1/2 कप चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। इसमें आप अपनी पसंद के सारे वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मुझे थोड़ा थिक लग रहा है तो मैं इसमें 1/4 कप जितना और पानी ऐड कर रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी आपको डोसा के बैटर जैसी रखनी है। इतना पतला बैटर आपको बनाना है। अब इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पैन में 1 टीस्पून जितना ऑयल लेंगे। ऑयल को ऐसे पूरे पैन में फैलाएंगे। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तब इसमें 1 टीस्पून जितना तेल ऐड करेंगे। तेल फूटने लगे तब इसमें 2 लैडलफुल बैटर ऐड करेंगे। बैटर को ऐसे फैला लेना है। अब इसे ढककर स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। आप चाहे तो इसके पतले चीले भी बना सकते हैं। करीबन 3 मिनट के बाद ऊपर का लेयर ऐसे ड्राई हो जाएगा। अब इसके ऊपर 1/2 टीस्पून जितना ऑयल डालेंगे और थोड़े से तिल छिड़केंगे। इसे केयरफुली पलटा लेंगे। ढककर इसे 2 मिनट और पकने देंगे। अगर आपको इसे पलटाने में दिक्कत हो तो आप इसे प्लेट में निकाल कर भी पलटा सकते हैं। करीबन 2 मिनट के बाद ये अच्छे से पक गया है और हमारी न्यूट्री रोस्टी बनकर रेडी है। इसे प्लेट में निकालेंगे और इसी तरह से बाकी की रोस्टी भी बना लेनी है। गर्मा गर्म इसे खजूर इमली की चटनी और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। तो है ना, इसे बनाना बहुत ही आसान। आप भी वेजिटेबल से भरपूर ये इंस्टेंट रोस्टी बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।